तो नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है कृष्णा इंटरप्राइजेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कृष्णा मैन्युफैक्चरिंग ऑफिशियल में। 2022 में जो है सभी लोगों के जहन में आता है कि वो नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, अपना बेस्ट बिजनेस। तो बेस्ट बिजनेस के लिए बेस्ट मशीन भी होनी चाहिए, जो कि कृष्णा इंटरप्राइजेज में मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। कृष्णा इंटरप्राइजेज जो है NH 77 के ठीक बगल में ही है। अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो NH 77 के ठीक बगल में चंद्रहटी चौक पर स्थित है। आज की वीडियो में मैं आपको जैसे ये कृष्णा इंटरप्राइजेज का जो है स्टोर है और नीचे जो है मैन्युफैक्चरिंग का काम है और ऊपर जो है स्टोर है, दोनों ऊपर नीचे दोनों मशीन भरी हुई है। लघु उद्योग की लगभग सभी मशीनें, जैसे कि यहाँ पे आपको मात्र 15,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक की जो है लघु उद्योग की मशीनें आपको मिल जाएगी। अलग अलग तरीके की मशीन, जैसे जिस एरिया में आपका जिस भी चीज़ का ज़रूरत हो आप उसी बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। एक तरह के बिजनेस सभी लोग स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, जिनके एरिया में जिस तरह का जो है रिक्वायरमेंट होगा वो इस तरह का ही बिजनेस स्टार्ट करेंगे। शुरुआत करते हैं स्क्रबर पैकिंग मशीन से। ये मशीन आपको मार्केट में जो है 45,000-40,000 बताया जाता है, लेकिन यहाँ आपको मात्र 28,500 में ये मशीन आपको हो जाएगी। ये जो है ये घरेलू यूज के लिए जो है पल्वलाइजर आटा चक्की जो है ये आपको 1.5 HP में है, अवेलेबल है। घंटे का प्रोडक्शन इसमें 10 से 15 KG आप कर सकते हैं। आटा, मसाला, दर्रा, जो भी आपका घरेलू यूज में है, जाली बाई जाली चेंज करके सारा आइटम आप बना सकते हैं। ये है था घरेलू यूज के लिए। अगर आप बिजनेस पर्पज़ के लिए लेना चाहते हैं तो ये काफ़ी हेवी मशीन जो है 5 HP में जो है पल्वलाइजर उपलब्ध है, जिसमें आपको इधर से मसाला पीस सकते हैं और इधर से आप इसमें आटा, बेसन, सत्तू, मतलब जो भी आपका रिक्वायर चेंज करके सारा आइटम जो है आप पीस सकते हैं। इसमें जो है आपको 6 जाली दिया गया है अलग अलग प्रकार का, और इसमें डायरेक्शन भी दिया गया है, और साथ में इसमें हेवी पैनल दिया गया है जो कि अक्सर आपको नहीं मिलता है हेवी पैनल 5 HP के पल्वलाइजर में, लेकिन इसमें जो है हेवी पैनल के साथ आपको हेवी चेम्बर दिया गया है। और ये आपको सिंगल फेज से ही चलेगी, मतलब इसके लिए आपको ट्रिपल फेज लेने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको सिंगल फेज से ही चलेगी। आप देख सकते हैं इसमें जो है चेम्बर की क्वालिटी ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। तो आप इसे परचेज करके आप अपने बिजनेस पर्पज से इसको यूज कर सकते हैं। ये आपको 26 इंच बेलन में जो है हाइड्रोलिक पेपर प्लेट मैकिंग मशीन है, जिसमें आप 9 रोल एक बार में यूज कर सकते हैं। इसमें आपको 9 रोल आसानी से लग जाएगा और 3 डाई लगे हुए, मतलब पर डाई के लिए 3 रोल। और इसकी मोटर कैपेसिटी की बात करें तो 2 HP हैवी मोटर कैपेसिटी और 2 HP का आपको पैनल कैपेसिटी इसमें मिल जाएगा। लोगों में बात की जाए अगर लॉन्ग जो आती है रुई बत्ती बनाने की, तो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है अपने यहाँ जो रुई बत्ती बनती है जो लॉन्ग वाली, वो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो ये मशीन जो है आपको 20,000 से लेके 25,000 के रेंज में आप इसे खरीद सकते हैं और इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके जस्ट बगल में जो है सीलिंग मशीन है, जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि 100 प्रकार का प्रोडक्ट जो है ये सीलिंग कर सकता है। साथ ही साथ अगर आप 5 HP का पल्वलाइजर ले रहे हैं तो उसमें सत्तू को पीस करके पैकिंग करने के लिए जो है ये मशीन आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। और कृष्णा इंटरप्राइजेज का जो है स्टोर रूम भी मैं दिखा दूँ। ये ओनली 4 पेपर प्लेट का डाई के लिए ये रूम जो है वो है। इसमें आपको पाइनल मिल जाएगा, पार्ट्स मिल जाएगा, बैरिंग मिल जाएगा और हर प्रकार की डाई मिल जाएगा, जैसे छोटे से लेके बड़े, जैसे 4 इंच से लेके 14 इंच तक जितने भी क्वालिटी आती है डाई की, वो सारा डाई मिल जाएगा। उसके बाद इसमें आपको मसाला ब्लिस्टर इस प्रकार का आता है, मसाला का डाई आता है, मसाला का पेपर शीट आता है, सारा आइटम जो है आपको यहीं से मिलेगा। स्क्रबर की बात की जाए तो स्क्रबर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। इस प्रकार का जो है कार्टून आता है तो स्क्रबर भी आपको आसानी से यहाँ मिल जाएगा। था अब नीचे मैं दिखा दूँ आपको कि ये जहाँ कृष्णा इंटरप्राइजेज का जो है मशीन मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, मैं वहाँ दिखा दूँ तो आपको यहाँ अभी देख पा रहे हैं। फिलहाल अभी थर्मोकोल पे बैन लगी है, जिस वजह से पेपर प्लेट मैकिंग मशीन का काफ़ी रिक्वायरमेंट है। 70,000, 70,000 और 80,000 बताया जाता है। अगर आप डायरेक्ट कृष्णा इंटरप्राइजेज के जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में आते हैं तो यहाँ आपको जो है काफ़ी कम रेंज में, यानी 60,000 के रेंज में ये मशीन आपको मिलने वाला है। जिसमें देख मैं बता दूँ ये फुल्ली चैनल बॉडी में है, इसमें ये नहीं है कि एंगल बॉडी यूज किया गया,
चैनल बॉडी ही चारों तरफ यूज किया गया है और 16 इंच का जो है बेलन यूज किया गया है। और इसी मशीन को अगर डीलर से परचेज करते हैं तो जाहिर सी बात है वो कुछ रख ही के देंगे। और सपोर्ट यहाँ से टेक्निकल सपोर्ट आपको आसानी से मिल जाएगा, जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ बड़े पूंजी से लेकर छोटे पूंजी के सभी मशीनें बनती है। जैसे पेपर प्लेट मैकिंग मशीन में रॉ मटेरियल की भी आवश्यकता होती है, तो रॉ मटेरियल में रिंकल प्लेट बनाने के लिए जो सर्कल आता है वो सर्कल कटर मशीन जो है निर्माण करती है कृष्णा इंटरप्राइजेज की टीम, जो यही मशीन है। और सीट कटर मशीन अगर आपका रिक्वायरमेंट हो तो सीट कटर मशीन भी यहाँ जो है मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, तो सीट कटर मशीन भी आप जो है परचेज कर सकते हैं। ये जो आप मशीन देख पा रहे हैं जो अभी निर्माणाधीन है, मतलब कि निर्माण हो ही रही है, इसमें मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं मशीन मैन्युफैक्चर कि यहाँ जो बनाया गया है नट बोल्ट सिस्टम बनाया गया, कि मतलब इस हाइड्रोलिक को हम अगर स्लीपर कटिंग में यूज करें या अदर कोई चीज़ में यूज करें तो आसानी से इसको खोल के हम अलग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको डायरेक्टली इसमें सटा के वेल्डिंग कर देते हैं, जबकि यहाँ जो है अलग अलग इसमें इसका सिस्टम अलग और इसका सिस्टम अलग 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 करके बनाया गया है। तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से जो है यहाँ मशीन बनाई जाती है। इसमें स्टैंड की बात की जाए तो एक बार में आप 8 रोल लगा सकते हैं, यानी 4 रोल इधर और 4 रोल इधर, तो 4 रोल का सिस्टम दिख रहा है। बहुत सारे लोग एक ही रोल के सिस्टम में बनाते हैं लेकिन उनका जो है वो बोल के बेच देते हैं कि इसमें 4 रोल लग जाएगा, ऐसा होता नहीं है। तो ये मशीन जो है हेवी में बनी हुई है और 4 रोल के साथ जो है बनी हुई है, डबल सिलेंडर डबल डाई। इसकी स्टैंड मैं दिखा दूँ कि जो इस पर रोल लगेगा, इसका जो रोलर स्टैंड है वो यही है। आप जैसे एक रोल इधर, फिर एक रोल इधर और एक रोल नीचे, फिर एक रोल इधर से नीचे और फिर बैक में, मतलब 3 से 4 रोल आप आसानी से यूज कर सकते हैं। अगर सिंगल सिलेंडर सिंगल डाई की बात की जाए तो वो भी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है और हैंड प्रेस जो है बाहर से इंपोर्ट होकर आती है। अगर आपका रिक्वायरमेंट होगा हैंड प्रेस का तो आप हैंड प्रेस भी ले सकते हैं। और ऑल इन वन की बात की जाए, जिसमें जो चप्पल बन जाएगा, स्क्रबर पैकिंग हो जाएगा और पेपर प्लेट का हर आइटम बन जाएगा, तो ये ऑल इन वन मशीन है जो कि निर्माण हो चुकी है। इसमें आपको जो भी बनाना है आप डाई लगा के बना सकते हैं। इसमें जो है 18 इंच का बेलन लगाया गया है, साथ ही इसमें 3 रोल लगाने का जो है ऑप्शन दिया गया है, जैसे एक रोल इस जगह पे, एक रोल इस जगह पे नीचे और एक रोल यहाँ। और इसको भी जो है फोल्डेबल सिस्टम बनाया गया है, मतलब कि अगर ज़रूरत पड़े तो इसको आप खोल के अलग कर सकते हैं। यहाँ 4 रोल का सिस्टम दिया गया है। तो ये सब चीज़ जो है देख कर आप मशीन परचेज कीजिए। मैं हमेशा की तरह इस बार भी बोल रहा हूँ कि बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उसकी बारीकियों को समझिए, मशीन को चलाना सीखिए, तभी आप अच्छी तरीके से मशीन ऑपरेट कर पाइएगा, प्रोडक्ट को अच्छा शेप दे पाइएगा और उसे मार्केट में आप सेल कर पाइएगा। दोस्तों आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष हमेशा लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।